Hey boys and girls, welcome back to second episode of Pokemon Heart Gold. तो guys, last episode में हम लोगों को हमारा starter Chiku मिल गया था and आज के episode में हम लोग journey को निकलने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को हमारी mom से एक बार बात कर लेनी चाहिए, I guess. So you are leaving on adventure. Okay, I will help too. But what can I do for you? I know. Every time you will receive prize money, I will save some of it for you. On a long journey, money is important. Do you want me to save your money? Okay, yes. Okay, I will take care of your money. Be careful. Pokemon are friends when you work as a team. You can accomplish anything. Now go on. Okay, mommy. Thank you. So, सबसे पहले हम लोग आई गेस यहाँ से आगे जाएंगे और कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास. ओके, यहाँ पे आई गेस ये लायरा है. देयर यू आर ओमकार. कैन यू कैच वाइल्ड पोकेमॉन्स विद पोकेबॉल्स? फॉलो मी. कैन यू नहीं था, आई गेस यू कैन था. ओके, ये क्या कर रही है जगह पे? जस्ट लाइक दैट. हाँ, वॉज इट टू फास्ट? आई विल ट्राई अगेन. कम दिस वे. ओके, अब ये लोग हमको पोकेमॉन पकड़ना सिखाएंगे. गाइज, एक लेवल 5 का मेरिल लेके, ओके, एक लेवल 2 के ब्रैटाटा को बुली कर रही है लायरा. तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट या ओके, क्या ही कर सकते. तेरे पास 20 पोकेबॉल्स हैं, अभी 19 हो गए. सी, जस्ट लाइक दैट. इट्स बेटर टू लोअर योर टारगेट्स एचपी मोर देन आई डिड और मेक इट स्लीप और समथिंग. यू कैन ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू सी वॉट वर्क्स. ओके, आई विल गिव यू दिस, गुड लक. ओके गाइज, हमारे पास फाइनली पोकेबॉल्स आ चुके हैं एंड आई गेस मैं अभी शॉप से भी परचेज कर सकता हूँ थोड़े बहुत. सी यू. ओके, सो गाइज, मतलब आज के एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग हमारे टीम में हमारे 2 न्यू टीम मेम्बर्स को ऐड करूँ. मैंने एक सोचा है कि मैं कौन से पोकेमॉन को मेरे टीम में ऐड करने वाला हूँ. सबसे पहले तो हम लोगों को एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन चाहिए एंड आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि मैं एक जू बैट पकड़ूँ और उसको हमारे टीम में ऐड करूँ, जो कि आई गेस आई नो काफ़ी अच्छी बात है, बट वो एक फ्रेंडशिप एवोल्यूशन है गाइज. एंड अगर मेरे को उसको इवॉल्व करना पड़ेगा तो फिर मे बी मेरे को दिक्कतें आ सकती है, बट स्टिल मैं जू बैट ही पकड़ूंगा, डोंट वरी गाइज. एंड गाइज, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेरे सारे पोकेमॉन्स को निकनेम दूंगा, क्योंकि निकनेम्स के क्या होता है ना, निकनेम देने के बाद एक अलग सी अटैचमेंट हो जाती है आपकी इस पोकेमॉन के साथ. मतलब काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है. लेट मी नो आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में. सबसे पहले तो हम लोग हमारे चीकू को हील कर लेते हैं. यस नर्जॉय, प्लीज़ हील माई चीकू, बिकॉज बेचारे ने लास्ट एपिसोड से हील ही नहीं हुआ बेचारा. बट या कोई बात नहीं, अभी हो गया है. प्लीज़ कम बैक अगेन एनी टाइम. ओके, एनी टाइम, ठीक है. तो अभी हमारे पास चीकू है एंड अभी हम लोग आई डोंट नो कितने पोकेबॉल्स दिए. लेट मी रैंडम पोकेमॉन. एक कैटर भी लेवल 3 का मैं टैकल यूज़ करके इसको हरा देगा. एंड गाइस, आप लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि जो फर्स्ट जिम लीडर होने वाला है वो एक फ्लाइंग टाइप जिम लीडर होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बात है मेरा जो चीकू है वो उसके सामने वीक होगा बिकॉज ही इज़ अ ग्रास टाइप पोकेमॉन. तो मुझे आई गेस एक रॉक टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे को ऑलरेडी बता के रखा है. गाइज, आई नो आप लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हो एंड उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करूँगा आपको. ऐसे ही मदद करते रहना. एंड यहाँ पे मेरा पोकेमॉन फ्रेंड होने के लिए नज़दीक था, बट या स्टिल चीकू लेवल 9 का हो चुका है और पॉइजन पाउडर भी सीख चुका है चीकू ने. अरे यार, कितने वाइल्ड पोकेमॉन है यहाँ पे. एक कैटरपी और, कोई बात नहीं, हम लोग यूज़ कर लेंगे. ओके, होपफुली अभी एक बैटल आ रही है, उससे पहले मैं आई गेस हीलिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा. मेडिसिन पॉकेट में पोशन है मेरे पास. ओके, चीकू इज़ गुड टू गो नाउ, लेट्स गो. आई जस्ट लॉस्ट सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड मोर पोकेमॉन. वेट, यू लुक वीक, कम ऑन लेट्स बैटल. मेरे को वीक बोला तू ब्रो, दैट्स नॉट फेयर. मैं दिखाता हूँ मैं वीक हूँ, तू वीक है. एज आई टोल्ड यू ब्रो, तू वीक है. ओके,
हे कैन आई गेट योर नंबर, आई विल रिंग यू अप। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं वीक लोगों के साथ बातें नहीं करता। ऑल राइट बट आई वॉन्ट लूज टू यू नेक्स्ट टाइम या फिर अगेन। सपने में ब्रो, यू आर अ ट्रेनर, यू आर अ पोकेमॉन ट्रेनर राइट? देन यू हैव टू बैटल। ओके श्योर, दो पोकेमॉन। सबसे पहले तो टैकल यूज़ करूँगा, एक और टैकल। यहाँ पे टैकल मिस क्यों हो रहा है? एक रैटाटा, रेजर लीफ, इसके सामने सुपर इफेक्टिव मूव होगा। सुपर इफेक्टिव नहीं बोल सकते बट इट्स लाइक फिजिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज देता है। ओके लेट्स गो, आगे जाएंगे गाइज। यहाँ से आगे जा सकता हूँ मैं आई गेस। एंड क्या तू भी बैटल करेगी? आई एम नॉट अ ट्रेनर बट इफ़ यू लुक वन इन द आईज प्रिपेयर टू बैटल। ओके मुझे पता ही है। बाय द वे एक मेटापॉड, मैं इसको हराऊंगा तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट एज ऑलवेज ये खुद को हार्डन करने में पीछे नहीं हटने वाला। बट स्टिल क्या ही हार्डन करेगा ब्रो, तेरे पास अभी एचपी बची ही नहीं है हार्डन करने के लिए। जस्ट लाइक दैट, क्या ज़्यादा नहीं मिला एक्सपीरियंस बट या ओके। चलो इसके साथ भी बैटल कर लेते हैं। इसके पास भी एक कैटरपी है एंड मेरे ही टैकल मिस होंगे हमेशा। ओ क्रिटिकल हिट, ओके। एक और कैटरपी, सो ओके मेरे टैकल काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं काइंड ऑफ। चलो ऊपर जाएंगे गाइस। यहाँ से मेरे पास अभी तक कट तो नहीं आ चुका है बट वाइल्ड पोकेमॉन्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। स्ट्रिंग शॉट, मैं बग टाइप्स के सामने रेजर लिफ्ट क्यों नहीं मार रहा पता है? क्योंकि कोई डैमेज ही नहीं होगा तो खाली फोकट में वो मूव्स वेस्ट हो जाएंगी। डार्क केव, इफ अ पोकेमॉन कुड लाइट इट अप आई वुड एक्सप्लोर इट। ओके ये क्या है? ओके एक और पोशन मिला मेरे को फ्री में, दैट्स सो ऑसम। एंड गाइज आप लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ से एक रॉक टाइप पोकेमॉन को पकड़ना है एंड एक जूबैट को पकड़ लेना है क्योंकि वो मेरी टीम में काफ़ी अच्छे असेट की तरह काम आ सकते हैं। सो या मैं एक जूबैट एंड एक रॉक टाइप पोकेमॉन को पकड़ूंगा। ओ डैम, चलो एक जूबैट आ भी गया। मेरे को बस इसको टैकल यूज़ करके डैम। ओके रेड लाइट, मतलब रेड पैच पे आ चुकी है इसकी। मुझे बस अब इसके ऊपर एक पोकेबॉल फेंकना है, होपफुली ये ज़्यादा नखरे ना करें एंड आ जाए। ओके लेवल, जो पोकेमॉन की लेवल कम होती है वो नखरे करते भी नहीं है। वाइल फ्लाइंग इट कॉन्स्टेंटली इमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम इट्स माउथ टू चेक इट्स सराउंडिंग्स। ओके हाँ मैं इसको निकनेम दूंगा गाइज। एज ऑलवेज मैंने आपको बोला ही था कि मैं इस गेम प्ले में सारे पोकेमॉन्स को निकनेम देने वाला हूँ एंड मैं इस गेम में कोई टीम चेंजेस नहीं करने वाला, एक ही टीम बनाऊँगा एंड वही मेरी फाइनल टीम होने वाली है। इसका नाम मैं दूंगा पिक्सल बिकॉज आई डोंट नो, ऐसे रैंडमली मेरे मन में आया। सो या अभी मेरे को बस एक रॉक टाइप पोकेमॉन की और ज़रूरत है, फिर उसके बाद आई गेस आई एम गुड टू गो होपफुली। आ जा ब्रो। ओके लेट्स सी ये कौन सा है। ओके लेवल 4 का, मैं इसको ज़रूर पकड़ेगा। इसको पहले मैं पॉइजन कर देता हूँ। ओके डिफेंसिव कर यूज़ कर रहा है। अरे यार मेरे अटैक मिस क्यों हो रहे हैं? ओके पॉइजन से तो ये मतलब हर्ट होता जाएगा, सो इट्स बेटर कि मैं इसका अभी अटैक गिरा दूँ। ओके क्या मैं भी एक अटैक टैकल यूज़ करूँ क्या इसके सामने? ओके ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। आई गेस इट्स टाइम टू कैच दिस पोकेमॉन एंड ये फीमेल है तो अगर मैं इसको नाम दूंगा तो आई गेस मे बी रॉक्सी नाम दे सकता हूँ मैं इसको। मैंने सोचा था अगर मेल होगा तो रॉकी दूंगा एंड अगर फीमेल होगी तो रॉक्सी देगा। सो या ये फीमेल है। मोस्ट पीपल मे नॉट नोटिस बट अ क्लोजर लुक शुड रिवील दैट देर आर मैनी जियोडोड अराउंड। ओके यस आई वॉन्ट टू गिव हिम अ निकनेम हर, सॉरी। सो मैं इसको नाम दूंगा रॉक्सी। ये भी नाम लिटरली रैंडम है।
होपफुली इसको इसका नाम पसंद आएगा। एंड आई गेस मेरा यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वाइव द पॉइजनिंग एंड द पॉइजन फील्ड अभी। ये इस गेम में काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब लिटरली अगर आपका पोकेमॉन कोई पॉइजन या फिर बर्न हो रहा है तो इसको ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती। वेट एक काम कर लेता हूँ, पहले पोकेमॉन हील करके आता हूँ गाइज। ओके गाइज, मैंने पोकेमॉन को हील कर लिया है और अभी हम लोग आगे जाएंगे। एंड अभी हम लोग जाते जाते एक काम करेंगे, मैं मेरे किसी पोकेमॉन को आगे रख लेता हूँ बिकॉज़ मुझे उसके साथ ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना, ऑब्वियस ही बात है। तो क्या तू बैटल करेगा? हाँ, आई वॉक टू फार टूडे लुकिंग फॉर पोकीमॉन, माई फीट हर्ट एंड आई एम स्लीपी। इफ़ आई अवेयर अ वाइल्ड पोकीमॉन, इफ़ आई वेयर अ वाइल्ड पोकीमॉन इट वुड बी टू ईजी टू कैच। अजीब बंदा है बट या ओके। यहाँ पे एक ऑल एप्रिकॉन है एंड आई गेस ये पर्पल है, ओके ब्लैक था। ओके मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे बैटल्स आएंगी तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले तो ये पोकेबॉल कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर बैटल्स आ भी रही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं यहाँ पे स्विच ट्रेनिंग कर करके मेरे पोकेमॉन को थोड़ा सा ट्रेन कर लूँगा। ओके जस्ट लाइक दैट। चीको आई चूज़ यू। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो मुझे यहाँ पे जिवडोट को ट्रेन करना चाहिए बिकॉज़ पहला जिम में एक फ्लाइंग टाइप होने वाला है, तो या उसको मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कैटरपी आ रहा है सो या रॉक्सी आई चूज़ यू। तेरे पास कोई रॉक टाइप हमला है नहीं सो या कोई बात नहीं, अब तक हम लोग चीकू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चीकू भी लेवल अप हो जाएगा। ओके चीकू लेवल 11 का हो चुका है। कोई अटैक सीख रहा है? नहीं, वीडल आ रहा है। वीडल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रॉक्सी को। आई गेस मैं इसी के साथ फाइट लड़के ये जीतूंगा। स्ट्रिंग शॉट ओके, ऑलरेडी इसकी स्पीड स्लो होगी। पॉइजन स्टिंग मुझे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। ओके एक पोकेमॉन तो मैंने खुद से हरा दिया, आई मीन हमारे रॉक्सी ने हरा दिया। एक कैटरपी आ रहा है तो या कीप बैटलिंग। एंड आई डोंट थिंक आज के एपिसोड में मैं जिम बैटल कर पाऊँगा बिकॉज इनको ट्रेनिंग भी तो देनी है और इतनी जल्दी कैसे ट्रेनिंग दूंगा। यू आर ऑसम, आई लाइक यू, आई लुक आई लुक फॉर पोकेमॉन हियर एवरी डे। व्हेन आई एम इन द टॉल ग्रास आई फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ बेरीज। इफ़ यू वुड लाइक आई विल शेयर सम, कुड आई गेट योर फोन नंबर? नहीं, मैं किसी को भी ऐसे रैंडम लोगों को नंबर नहीं देता। ओ वेल, डोंट बी शाई इफ़ यू वॉन्ट टू गेट माई नंबर। मैं क्यों शाई होऊंगा ब्रो, आर यू सीरियस? मैं हूँ जो तुझे नहीं दे रहा मेरा नंबर एंड तू मेरे को ही बोल रहा है कि मैं शाय फील कर रहा हूँ। तो आई फाउंड अ गुड पोकेमॉन इन डार्क केव, आई एम गोइंग टू रेज इट टू टेक ऑन द फॉकनर, ही इज़ द लीडर ऑफ वॉयलेट सिटी जिम लीडर। ओके हाँ, एक्चुअली मैं अभी वही कर रहा हूँ। मुझे मेरे रॉक्सी को है ना थोड़ा सा ट्रेन कर लेना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली बात है फॉकनर को हराना है मुझे, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओ लायरा यहाँ पर आ चुकी है। I knew it was you, Omkar. How did you get past me? Here is something neat for surprising me, Omkar. Oh, versus recorder. I guess ये काफ़ी अच्छी बात है, इससे मैं रिटर्न बैटल कर सकता हूँ लोगों के साथ। नहीं आई गेस नहीं, ये वो नहीं है, तो वो कोई दूसरा आइटम था। वर्सेस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड योर पोकेमॉन बैटल्स। आई हैव टू गो नाउ, आई वॉन्ट लेट यू पास इन मी पास मी अगेन, लेट्स गो मैरिल। ओके तो आई गेस वो कोई दूसरा आइटम था जिससे कि हम लोग रिटर्न जिनके साथ बैटल कर चुके हैं उनके साथ बैटल फिर से कर सकते हैं, वो कोई दूसरा आइटम होगा आई गेस। ओके हम लोग आ चुके वायोलेट सिटी या फिर वियोलेट सिटी में। वेट मेरे को मेरे इसके साथ बात करनी है। रॉक्सी इज वंडरिंग अराउंड। ओके ठीक है, ये यहाँ का पोकेमॉन सेंटर का थोड़ा सा कलर अलग है बट या सबसे पहले पोकेमॉन हील कर लेंगे। एंड आई गेस मैं जिम को चैलेंज कर सकता हूँ बट उसके लिए मुझे पहले तो थोड़ी सी पोकेमॉन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। सो आई गेस हाँ मैं थोड़ा सा एक और ब्रेक ले सकता हूँ थोड़ा सा। सो गाइज वेट करो जब तक मैं मेरे रॉक्सी की थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। हे गाइज थैंक यू फॉर वेटिंग। तो मैंने मेरे रॉक्सी के साथ
थोड़ी क्या, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है, वो मतलब अराउंड 10-15 मिनट मेरे चले गए, वो मैंने वीडियो से कट कर दिया। बट या मैंने मेरे रॉक्सी को अराउंड लेवल 9 का ट्रेन कर लिया है, और चीकू एंड पिक्सल के साथ, पिक्सल को तो छुआ भी नहीं एंड चीकू को भी छुआ नहीं, रॉक्सी के साथ ही बैटल कर रहा था। लिटरली ये जो बाजू वाला रूट है ना, उस पर मैंने सारे पोकेमोन्स को मार दिया लिटरली। बट हाँ, मैंने जब भी बेलस्प्राउट सामने आता था तो मैं उससे रन कर लेता था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मैं इतना एडा नहीं हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं हार जाऊँगा। सो अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको हराऊँ। यो चैम्पियन द मेकिंग, यू मस्ट बी हियर टू चैलेंज फॉकनर द जिम लीडर, राइट? यू आर क्वाइट वेलकम ऑल मेओस। द सिटी हैज़ अ टावर कॉल्ड स्प्राउट टावर वेयर ट्रेनर्स कम टू ट्रेन देमसेल्व। चैलेंजिंग फॉकनर मे बी टू डिफिकल्ट इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू द देयर ट्रेनिंग। हा हा हा, ओह मतलब मुझे पहले बेल टावर में जाना पड़ेगा क्या? ओके फाइन, आई गेस यही है वो बेल टावर। ओके काफ़ी बड़ा है, नहीं बेल टावर नहीं, इसका नाम है स्प्राउट टावर। आप क्या मुझसे फाइट करोगे? ओनली दोज हु रीच द टॉप विल रिसीव अ वंडरफुल मूव। आई गेस मुझे पता है यहाँ पे कोई तो HM मिलता है, आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया तो था। बट या लेट्स सी, हाउएवर हार्ड वी बैटल द टावर विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, और यहाँ पे यार, यहाँ पे पोकेमॉन्स गलत आ चुके हैं, तो मैं इसके सामने अपने चीकू को लाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है ये छोटू सा वाइन विप भी मुझे बहुत डैमेज दे सकता है। सो या रॉक्सी लेवल 10 की हो चुकी है एंड बेलस्प्राउट अभी भी वही आ रहा है, तो एक काम कर लेते, थोड़ा सा पिक्सल को भी एक्सपीरियंस दे देंगे। लीच लाइफ आई गेस सुपर इफेक्टिव हो सकता है इसके सामने, नहीं आई गेस ये पॉइजन टाइप भी है क्या? आई डोंट नो, मतलब बेलस्प्राउट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अर्ली गेम में बेलस्प्राउट के सामने आप अपने किसी भी पोकेमोन को मत ही लाना, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, बिकॉज बहुत बुरी तरीके से हार हो गया। ओके पिक्सल 3 की आई गेस लड़का है हमारा, हो चुका है अभी, फिर से वो आ रहा है तो हाँ स्विच करेगा मैं पिक्सल को, और लेवल चाहिए थोड़ा सा। ओके रॉक्सी नहीं, तू नहीं, बट हाँ चीकू यू कैन हेल्प योर फ्रेंड ना। आई डोंट नो मैंने रेजर लीफ का यूज़ किया, दो वेट टैकल। जी हाँ गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने हरा दिया, पिक्सल लेवल 4 का हो चुका है एंड हम लोग जाएंगे आगे। यहाँ पे ओ वाइल्ड पोकेमोन्स भी हैं यहाँ पे। ओके एक रैटाटा, टेल विप से मेरा डिफेंस गिरा रहा है ब्रो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या मिला मुझे? एक पैरालाइज हील। ओके ठीक है, फ्री की कोई भी चीज़ अच्छी होती है। ओ बैटल आ रही है, वी स्टैंड गार्ड इन दिस टावर, हियर वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू शो योर रिस्पेक्ट फॉर ऑल पोकेमोन। ओके फिर से एक बेल स्प्राउट, यार मुझे नहीं खेलना, वेट मैं पोकेमोन चेंज कर रहा है, बिकॉज आई नो उसको वाइन विप के अलावा और कुछ नहीं आता, बट मेरा चीकू है कि उसका टैकल भी मिस हो जाता है। आई डोंट नो मैं कैसे इस गेम को डिफीट करूँगा, बट या एक और बेल स्प्राउट, तो या पिक्सल तू आ गया, जा फिर से। एंड जब बात आएगी पोकेमोन मूव्स खाने की, तो चीकू है ना संभालने के लिए। ओके टैकल, बाप रे कितने बेल स्प्राउट लेके घूमते हैं ये लोग। एंड मेरे पास कोई दूसरा अटैक भी नहीं है जूबैट के पास, ताकि वो मतलब काइंड ऑफ डोमिनेट कर सके ऊपर, बट नहीं। और इसके पास भी वाइन वीप इकलौता अटैक है, सोच रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग अटैक है इकलौता होने के बाद भी। ओके पिक्सल लेवल 5 का हो चुका है, सुपर सोनिक सीख गया उसने, द
दैट्स नाइस आई गेस। और अब किसी को तो दूसरे को कंफ्यूज करेगा वो। ओके, यहाँ पे पोके बॉल है। एक्स एक्यूरेसी मैं चाहता तो मैं, वेट वेट वेट, आई डोंट थिंक ये लीगल होगा। मैं इनसे पहले बैटल कर लेगा। आइस वे लाइक लीव्स इन द विंड। ओके, बेल स्प्राउट टावर है तो सब जगह बेल स्प्राउट ही बेल स्प्राउट दिखेंगे। दैट्स नॉट फाइन। ओके, वापर कितने बेल स्प्राउट आ रहे हैं। बट या कोई बात नहीं, हम लोग इस बार पिक्सल का यूज़ करेंगे ताकि पिक्सल को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए। अच्छी बात है ना आई गेस गाइस, बिकॉज चीकू तो काइंड ऑफ ग्रास टाइप से इम्यून है बिकॉज वो खुद एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। बट पोकेमोन्स लाइक जो कि सामने था उसके लिए आई गेस प्रॉब्लम हो सकती होगी सिंथेसिस। नहीं, मेरे को हीलिंग वाले मूव्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए मैं हूँ ना, मैं खुद हील कर लेगा, डोंट वरी। फिर से मुझे आई गेस पिक्सल को बुलाना पड़ेगा एंड लेट्स ट्राई सुपर सोनिक। ओके, उसका अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने खुद को हिट किया तो उसको बहुत ज़्यादा अटैक मिला। जस्ट लाइक दैट, ओके फाइनली पिक्सल का पहला किल। एंड डैम वो बहुत क्लोज आ गया था लेवल अप के। ओके, चलो यहाँ पे जाके देखते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे एक पोके बॉल है जहाँ पे मुझे मिला एक पोशन, फिर से पोशन। ओके, आ जाओ बैटल कर लो। एक बेल स्प्राउट। ओके, थक गया यार बेल स्प्राउट देख देख के। वेट, हाँ बट इसमें फिर भी मतलब पुराने जैसी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेल स्प्राउट, पहले के टाइम पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करता था बट अभी इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? ना, नो चांस। वेट, आई गेस आई कैन। जी हाँ, रॉक्सी को लेवल 11 का हो चुकी है। वो डैम एक रॉक थ्रो सीख रहा हूँ, मैं ज़रूर सिखाऊंगा रॉक थ्रो, ये मेरे को बहुत काम आने वाला है। एंड मैं आई गेस ये मड स्पोर्ट हटा दूंगा, वैसे भी वो अटैक कोई काम का नहीं है मेरे लिए। एंड अब आ जाओ, मतलब लिटरली अब आ जाओ, अब तो मैं किसी से नहीं डरता। अब तो मैं जिम चैलेंज भी कर सकता हूँ आज के एपिसोड में अगर मैं चाहूँ तो। बट उससे पहले इट्स टाइम टू हील माय पोकेमॉन्स। चीकू तू भी हील हो जा। आई गेस एक एक पोशन काफ़ी है इनके लिए। एंड इट्स टाइम टू लेवल अप माय पिक्सल लिटिल बिट, लेट्स गो। अगर मैं देख सकूं तो आगे वो रेड बाल वाला लड़का था जिसका नाम मैंने सिंडी दिया था लास्ट टाइम। सुपर सोनिक, बीच लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट हाँ, मैंने इसका लेवल ही नहीं देखा, तो अगर लेवल चेक करूँ तो आई गेस मुझे पोकेमॉन चेंज करना चाहिए। एंड वो ग्रोथ यूज़ कर करके खुद का डिफेंस बढ़ा रहा है। डिफेंस नहीं, मतलब इट्स लाइक स्पेशल अटैक बढ़ा रहा है। बट मुझे सेंस नहीं बनता, मतलब मेरे लिए तो बेल स्प्राउट एक फिजिकल अटैकर पोकेमॉन है तो वो ग्रोथ यूज़ क्यों ही करेगा। आई डोंट नो, हुतूर आ रहा है, हुतूर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रॉक्सी को। अभी अभी उसका रॉक थ्रो अटैक खुला है ना, तो इट्स लाइक ओके, हिप्नोसिस। प्लीज़ उठ जा जल्दी भाई, सॉरी हमारी लड़की है। डैम, वन शॉट किल।
ओके इट वाज नाइस। वेट, एक 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 और पोशन यूज़ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा ऑन रॉक्सी, एंड आई गेस आई एम गुड टू गो मैन। लेट्स सी क्या बात हो रही है यहाँ पे। यू शोड अस व्हाट यू हैव गॉट एंड इट इज़ इंडीड गुड। टेक दिस टेक्निकल मशीन, हाउ एवर यू शुड केयर मोर अबाउट योर पोकीमॉन। द वे यू ट्रीट योर पोकीमॉन कैन बी टू हार्श। रिमेंबर पोकीमॉन आर नॉट टूल्स फॉर ऑफ वॉर। ऑब्वियस ही बात है। ओके सिंडी, ही कॉल्स हिमसेल्फ द एल्डर बट ही वॉज नो मैच फॉर मी। श्योर इनफ दोज हु लेक्चर हाउ यू शुड बी नाइस टू पोकीमॉन दे कैन नॉट डिफीट मी। ऑल आई केयर अबाउट आर स्ट्रॉन्ग पोकीमॉन दैट विन एवरी टाइम। द रेस्ट ऑफ देम डोंट मीन एनी थिंग टू मी। ओके ओके इसने एस्केप रोब यूज़ करके निकल गए यहाँ से। मेरे पास है क्या एस्केप रोब? आई डोंट नो। सो गुड टू यू टू कम हियर। स्प्राउट टावर इज़ अ प्लेस ऑफ ट्रेनिंग पीपल एंड पोकीमॉन टेस्ट देयर बॉन्ड्स टू बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर टूगेदर। आई एम द फाइनल टेस्ट, अलाउ मी टू चेक द टाइज बिटवीन यू एंड योर पोकीमॉन। लेट सी कर सकता है तू चेक। पहला पोकीमॉन ओके सुपर सोनिक, मिस हो गया। फिर से सुपर सोनिक एंड नाउ लीच लाइफ। ओह कन्फ्यूजन से बाहर भी निकल गया वो। फिर से डाल देंगे उसमें क्या है। बट हराऊंगा तो मैं तुझे पिक्सल का मदद लेकर ही। ओके अरे यार कितना लंबा बैटल जाएगा ये। आई गेस आई एम सो क्लोज टू विन। एक और बस एक और लीच लाइफ लग जाए एंड फिर इट्स ओवर। जैसे कि मैंने कहा था पिक्सल को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला गाइस। हुतूट आ रहा है, हुतूट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रॉक्सी का। वो तो एक रॉक थ्रो में संभाल लेगी सबको। जैसे कि मैंने कहा था रॉक्सी लेवल 12 की हो चुकी है गाइज एंड अभी आ रहा है बेल स्प्राउट। तो या चलो देखते हैं, मैं इसके सामने भी यही यूज़ करेगा। अरे यार लिटरली मिस हो रहे अटैक्स। ओके डैम मैंने हरा दिया। The way you battle is quite elegant. You should be able to stand up to Faulkner and you should be able to make good use of this. It's a technical machine called Flash. Take it with you. Oh, मतलब अगर मेरे को भी फ्लैश मिल चुका है तो आई गेस मैं उस केव को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। When a Pokemon learn Flash, you can eliminate caves and no matter how dark they must be. You can try it on Bellsprout for example, okay? मेरे पास एक है नहीं बेलस्प्राउट और मैं ना ही पकड़ने भी वाला हूँ उसको। सो इट्स बेटर कि दादाजी आप अपना ज्ञान आपके पास ही रखो। बेलस्प्राउट के लिए मतलब वो हाँ ठीक है, वो काफ़ी अच्छा एच एम स्लेव बन सकता है बट मैंने उसको कभी मतलब ऐसे पार्टनर के नज़रिए से तो देखा ही नहीं। इट्स लाइक इट्स नॉट माई फॉल्ट ना गाइज। आई गेस यहाँ से ऊपर जाना है। अरे यार मैं फिर से नीचे चला गया। वेट ऊपर जाएंगे। जुबैट बोलेगा ये कैसा बंदा पागल है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे पोकेमॉन्स देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। बट यार फिलहाल तो मैं रन कर रहा हूँ बिकॉज गाइज आई गेस नहीं यार आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा ही हो गया है। सो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जिम को चैलेंज करेगा। और यहाँ पे मेरे पास मूव्स भी नहीं है तो बेटर होगा कि मैं यहाँ से पहले निकल लेता हूँ। ओके गाइज यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं स्प्राउट टावर से वियोलेट सिटी में। एक बार बस पोकेमॉन हील कर लेता हूँ, यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर यहीं पे था एंड फिर एपिसोड को एंड कर दूंगा। वैसे भी एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है गेस। तो आई होप सो गाइज आपको आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करोगे एंड कुछ भी ना कुछ कमेंट करके चले जाना। मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियोस बनाने का।
सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज एपिसोड. मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है एंड दैट्स वाई आई गेस आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी लिटिल बिट साउंड कर रही होगी डिफरेंट, बट या कोई बात नहीं. गाइज गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय.